बेहतर, हम इस पर काफी वक्त जाया करके खूबसूरत लम्हों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, इसका इस्तेमाल कम करें और कुदरत का मजा लें। आप कुछ कहना चाहेंगी मरियम? तो इस बार हम छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सालिम और उबैद भी आए तो अच्छा है। मजेदार, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? हाँ जरूर, शुक्रिया। हम कब जाएंगे? अगले हफ्ते, जब नासिर कॉलेज ट्रिप पर लंदन जाएगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। रेंजर जो, मेरे परिवार से मिलिए। बच्चों, इन्हें सलाम करो। सलाम अलैकुम। आप कैसे हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मरहबा, मरहबा। आप सभी का खैर मकदम है। देखिए, ये आपको पसंद आएगा। ये एक बेहतरीन रिसोर्ट है। इसका नाम है डोंगा डोंगा। रिसोर्ट डोंगा डोंगा। ये बेहद ही खूबसूरत है, यकीनन मजा आएगा। क्या वहाँ वाईफाई है? अच्छा रेस्टोरेंट भी है? बिल्कुल, क्यों नहीं, सब कुछ है। लेकिन अब्बा के मुताबिक तो तुम्हें इनसे निजात पानी है ना? तुम लोग फिर से, तुम तीनों लड़के मेरे साथ चलोगे। बात समझ में आई ना? बताओ। एक मिनट, मैं समझ नहीं पाया। मतलब हमें चलते जाना है, चलते जाना वहाँ है। पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। इतना बुरा भी नहीं है ये। पैदल चलकर? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? तकरीबन 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलें तो। ये अच्छा तजुर्बा होगा तुम्हारे लिए। यकीन करो, ये वाजिब शख्स हैं। रेंजर जो सबसे वाकिफ है। घूमने का मजा लो भाइयों, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। क्या खाक तजुर्बा होगा हमें इससे। इसी लम्हे से कुदरत की मौसिकी और रवानी को महसूस करो। अपने आसपास के नजारे भी तो देखो। तो बच्चों, गर्मी लग रही है? धूप बहुत तेज है। हो, क्यों ना तैर कर ताजा दम हो लिया जाए। दोस्तों, वो चिढ़ा रहा है। हरगिज नहीं उबैद, यहाँ देखो। क्या बात है? कूद जाओ, ये तैरने के लिए बहुत अच्छा है। मगरमच्छ। माफ करना, मैंने बात मुकम्मल नहीं की थी। इसमें कोई मगरमच्छ नहीं है, ये बिल्कुल महफूज है। ओह, यहाँ तो सिग्नल नहीं है। बिस्तर भी आरामदायक नहीं। मुझे भूख लगी है। Oh.
वो लौट कर नहीं आएगा। आ जाओ चलते हैं। हमें दूसरी कहानी सुनाओ रेंजर जो। ठीक है, एक कहानी है। एक प्यारा सा लड़का था जो आग के नजदीक बैठा था, मगर उसे एक सेंटीपीड के अपने पीछे आने का इम्कान नहीं हुआ और वो सेंटीपीड चलते चलते उसके नजदीक और नजदीक आ गया, लेकिन वो लड़का बिल्कुल बिना हिले बैठा रहा। हालांकि उसके दोस्तों ने इशारे से उसे खबरदार किया, पर कोई हासिल नहीं हुआ। अच्छी अदाकारी, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बस फिर क्या होना था, वो सेंटीपीड धीरे धीरे ठीक पीछे आ गया, एन उसके सिर पर था, तभी एक जाबाज रेंजर ने उसे दबोच लिया, बिल्कुल ऐसे। आ, आ, वो एन मेरे सिर पर था। ये कहानी तो हकीकत से लबरेज थी। अच्छा बच्चों, सोने का वक्त हो गया, हम यहाँ से दरिया के साथ साथ ही चलेंगे और फिर ये रास्ता लेंगे और दोपहर तक हम रिसोर्ट पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपके लिए वाईफाई, एक नरम बिस्तर और लजीज खाना इंतजार कर रहा है। तुम दोनों उससे जाओगे और हम इससे। बात समझ में आई? पैदल का अलग ही मजा है और नजारे भी दिखते हैं। लेकिन सुनो, यहाँ पहुंचकर दाहिनी तरफ ही रहना, ख्याल रहे बाईं तरफ बिल्कुल मत जाना। मेरी बात समझ गए ना? क्यों? जंगली नेली। कौन जंगली नेली? एक बहुत बड़ा और खतरनाक झरना। तो ठीक है, चलो चलते हैं। कि मैंने कहा था, तुम लोग जंगली नेली से दूर रहना बच्चों। तुमने सुना उबैद? उबैद मैंने कहा था, इस जानिब पैडल चलाओ तेजी से। चला तो रहा हूँ, देख नहीं रहे क्या? मुझे लगता है वो दोनों जरूर कर लेंगे। हाँ, किस कर लेंगे? वो नहीं कर पाए मंसूर। वो हम हर किस नहीं कर पाए। ओह, ये ठीक नहीं है। अब हम क्या करें? हमें वहाँ जाना होगा और रस्सी फेंक कर खींचना होगा। हिम्मत रखो, हम कुछ करते हैं। अब ये रस्सी पकड़ो। नहीं, एक रास्ता है, रस्सी लाइए। रस्सी फेंकिए मेरे पास, इसे पकड़ो दोस्तों। मेरी जिंदगी में मैंने किसी को वहां तक जाते हुए नहीं देखा। तुम दोनों मेडल के हकदार हो। तुमने सुना सालिम? सुना, हमें मेडल मिलने वाला है।
क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? तो बच्चों हम पहुंच गए। तुम्हारा मनपसंद वाईफाई और नरम बिस्तर और लजीज खाना तैयार है। मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ और देर रुकना चाहिए। वाईफाई को जरा आराम करने दो। हाँ, और किसे चाहिए नरम बिस्तर? बिल्कुल ठीक, वैसे भी वो नाशपाती का अचार नहीं देते। इस हैरत अंगेज तजुर्बे के लिए आपका शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है, तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर, शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? मुझे पता है। हाँ? क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी हो गया। ठीक है, मेरे तीन गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। एक दो तीन, घुमाओ। क्या? रुको दोस्तों, ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों क्या बात है? ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और ओबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है, बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है, वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में वो वाकई आ रहा है, वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था, देख लो मैं इसे साफ कर रहा हूँ।
ओबेद, रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो ओबेद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालेम। ओबेद, ये फर्श को चमका देगा, इसमें क्या बुराई है? हम तो बाल बाल बच गए। बच गए, इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं। ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। दोस्तों, अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। शक नहीं होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही, सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आर्ट क्रिटिक आ गए, हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताजा तरीन काम है, समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? हम्म,
ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़े स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया, मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल, ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब, मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें डांटू या गले लगाऊं? माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया, सब ठीक हो गया, क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो। चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है, वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़े। इसे क्या हो गया, देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर, आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है और हमारी जानिब भी। दादा जान, और तेज संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है, ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। साले देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बास पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो। अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं, वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो ओबेद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे, ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है, सभी सीट बेल्ट लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया, उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है,
बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़िया घर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़िया घर ढूंढ रहे हैं, हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़िया घर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे जहीन शख्स है और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी, बेहिसाब खाना और रहना। तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ, हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ, ओह ऐसी बात है, आइए इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? ये इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है, जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा, ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए। और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक बयक मशीन बीच में बंद पड़ गई है, मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है, आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया, इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है, अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते, क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया, इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं? क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा, कोशिश करने में क्या हर्ज है। मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया, हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर।
देखो वॉर्टेक्स बंद हो रहा है। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की क्या तैयार हो? तैयार तो चलो अब जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादा जान, अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। ओ हरगिज नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है? अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। ओ, 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 ए, जरा संभाल कर। ओ, सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो। यहाँ मेरी जानिब। ओह, ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं, लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ, घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल, ये तो पेनल्टी है। ओ, मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओ, ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। ओ, नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। ओ, बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ, बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो। यहाँ कोई मालिक नहीं है।
अब ये मकान खाली है। मैं और सलेम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। ए, थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं नहीं दिख रही, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओ, ओ, ओ। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो मेरी बॉल कहीं है क्या। देखता हूँ, मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की, उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद, उबैद। मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया, अब हम क्या करें? मैं और सलेम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो, और क्या। ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। वो देखो। दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए। सुनो उबैद, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवेस का घर है। मगर वो कौन है? वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है। उमदुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद, तुम खजूर खाओगे, मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी, तुम्हारे दोस्त ने इस बगीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं, ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डारविश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप उमदुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये दारविश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। ओ, 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 ओ,
बहुत खूब बच्चों, बगीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों, चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन जगह पर हैं। वैसे ये जगह किनारे से दूर है, लेकिन यहाँ मछलियाँ बड़ी तादाद में हैं। हाँ, हाँ, दादा जान, देखिए। क्या? अरे, ये अचानक आज धुंध कैसे हो गई? मगर ये धुंध तो बहुत ही चमकीली हरी है, वही तो ताज्जुब है। हम लोग इंतजार करेंगे, फिक्र मत करो, ये धुंध जल्द ही छट जाएगी। पर हम किसी से टकरा गए तो? उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम समंदर के बीचों बीच। अरे वाह! जरा रुको, ये यहाँ कैसे? क्या हम जजीरे का मुआयना कर सकते हैं? हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। मैं इंजन ठीक करके पता लगाता हूँ कि हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलो। देखो दोस्तों, वहाँ से जजीरा बेहतर दिखेगा। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, अब तुम दोनों यही इंतजार करो। तुर्की, क्या तुम उस पर चढ़ोगे? नहीं, सिर्फ चढ़ूंगा नहीं बल्कि पहले पहुँचूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है? वाह, मैं जीत गया। नहीं तुर्की, रुक जाओ।
ये कोई मुनासिब जगह नहीं है, ये घोंसला है। मगर ये इतना बड़ा अंडा किस परिंदे का हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतनी देर क्यों लग रही है? ओबेद, ये तुम्हारा पेट था? नहीं, बल्कि ये शोर तुम्हारे पेट का है। लगता है जैसे, रुको, नामुमकिन। नैनो, इस परिंदे की शिनाख्त करो और बताओ। मंसूर, ये एक टेरोडेक्टाइल है, ऐसी नस्ल जो लाखों साल पहले खत्म हुई मानी जाती है। डायनासोर, मंसूर, ये क्या हो रहा है? मैं खुद भी हैरान हूँ। अरे नहीं, इन्हें भूख लगी है। सालिम, ये पत्थर क्यों हिला आखिर? हमारे चारों तरफ डायनासोर्स हैं और तुम कह रहे हो डरो मत। सुनो सलेम, हम यहाँ हिफाजत से हैं। नैनो, जाओ इसे दूर भगाओ। बच गए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे जरा भी नहीं लगता वो परिंदा गोश्त खोर है, इसलिए बिल्कुल मत डरो। ठहरो, तुम्हें कैसे पता वो गोश्त खोर नहीं है? एक तरकीब है। उबैद, तुम नीचे जाओ, तुम्हें खा लिया तो उसके बाद हम यहीं रुक जाएंगे। उबैद, घबराओ मत, उनकी खुराक देखो। ठीक है, कश्ती पर वापस चलते हैं और जजीरा छोड़ देते हैं। आ जाओ। हमें उन दरख्तों से गुजरना होगा। ओ नहीं, ये क्या हो बैठ? जरा देखो। इस तरफ।
बचकर भाग रहा है। क्या? ऐसी कोई चीज नहीं। हाँ, हमने अभी देखो टी-रेक्स उसके पीछे है। जल्दी ऊपर आओ। चलिए दादा जान। ए, ख्याल अच्छा है। वैसे कमाल है, इसका मतलब जानते हो तुम? इसका मतलब कि ये किताब निहायत ही बकवास है। तो चलो बच्चों, अब खेल का वक्त पूरा हुआ, मछली पकड़ते हैं। जिस काम के लिए आए थे वो तो कर ले। कंप्यूटर सिस्टम को फिर से देखो। सारे सिस्टम एकदम ठीक है। बेहतर। दर हकीकत हमें एक टेस्ट पायलट की जरूरत है। क्या? उबैद जवाब दो। कुछ सुना? सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ टेस्ट। कम्युनिकेशन ठीक है। क्या बेहतरीन चीज है। और थ्रस्टर्स ठीक है। स्टेबलाइजर वो भी ठीक। तो, 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 और पैराशूट। और पैराशूट। कंप्यूटर पैराशूट कहाँ है? पैराशूट कहाँ है? बैद, सिस्टम को किसी तरह रिबूट करो। कंप्यूटर, मुझे पैराशूट चाहिए। कम से कम इसका स्टीयरिंग सिस्टम तो काम कर रहा है। ड्यूरेबिलिटी जांच हुई। हम जाने को तैयार हैं। चेक चेक ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। मैं ईगल वन बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हेलो मंसूर। हेलो दोस्तों। सुनो कमांड सेंटर, फिर सुनो, ईगल वन बोल रहा हूँ, क्या तुम सुन रहे हो कमांड सेंटर? हाँ,
ओके कमांड सेंटर टू ईगल वन, तुम परवाज कर सकते हो। कंप्यूटर चालू करो। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन जेट पैस की काबिलियत क्या है। दोस्तों याद रहे, ये अभी तक इम्तिहान के दौर में है, हमें इंतहाई एहतियात बरतनी ही होगी। समझ गए? समझ गया, समझ गया। चलो चल के कुछ बदमाशों को पकड़े। बदमाशों होशियार। हमारा ऑपरेशन ईगल आई अब शुरू होता है। This is command center to Eagle One. सुनो सुनो Eagle One, कोई बदमाश पकड़ा क्या? दरअसल हम जेटपैक्स का इम्तिहान लेने के लिए ऊपर परवाज कर रहे हैं, बस इतना ही। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो बनना पसंद नहीं है? हम जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया बचाने की ख्वाहिश नहीं है, जेटपैक्स का इम्तिहान ले रहे हैं। सच में हम बस इतना ही कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वो बच्चे हो जो इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से बदमाशों को पकड़कर दुनिया को बचा सकते हैं। सही कहा, बदमाशों को पकड़कर हीरो बनना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। कम से कम हम सब ऊपर हैं, इस खुले आसमान में परिंदों की तरह। मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रिबूट करो। चलो खैर, तुमने बिल्ली को तो बचा लिया। आजा। अब बदमाशों को ढूंढने की बारी है। यही मौका है ईगल फोर्स के लिए, चलो उसे बचाएं। जान जाते जाते बच गई। हमारी ईगल फोर्स उसे बचाएगी। ओ, 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 क्या? नहीं, वीडियो बंद हो गया है। मुझे नीचे उतारो, जाने दो मुझे। नीचे उतारे? सचमुच? देखो तुम समझ तो रहे हो ना। फिक्र मत करो, तुम अब महफूज हो। अरे नहीं, वजन ज्यादा है खबरदार, वजन ज्यादा है खबरदार, अपना वजन कम करो। मंसूर, कंप्यूटर रिबूट करो। क्या हो रहा है? अब इसे क्या हुआ? काम क्यों नहीं करता? काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी रुक जाओ, देखो वो पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, तुमने सही कहा, ये वही है। क्या बात है, इसका मतलब जानती हो? उन्होंने वाकई बदमाश को पकड़ा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने असली बदमाश को पकड़ लिया है। ज्यादा वजन खबरदार, ज्यादा वजन खबरदार, अपने वजन को कम कीजिए। ये क्या, जेटपैक्स में इतना वजन सहने की ताकत होनी चाहिए थी। वजन उठाने की ताकत बढ़ा दी गई है। उसके पास एक भारी थैला है। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या, उनकी खुफिया पहचान का क्या होगा? हाँ हाँ, तुम सही हो,
पुलिस को बुलाते हैं। ईगल फोर्स सुनो, ये कमांड सेंटर है, चोर के बैग पर नजर डालो। बैग? रुको रुको, बैग भूल गए। देखिए सर, आप इसे भूल गए। ऐसा क्या? अब मैं क्या कहूँ? शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। ईगल 1-2 कमांड सेंटर सुनो, अब हम सब घर लौट रहे हैं। सुनो सुनो ईगल 3-2 ईगल 1 सुनो, ईगल 3-2 ईगल 1। क्या हुआ उबैद? दर हकीकत सुपर हीरो वाला जो काम है वो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, समझे? हमने असली बदमाश नहीं पकड़ा और वो चोर तो शुक्रगुजार भी नहीं था। सब भूल जाओ, हमने कोशिश तो की। दोस्तों दोस्तों रुको, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार मेरी बात गौर से सुन लो। ओ नहीं, ओ